हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और प्यारी सी प्रॉपर्टी पे जो है आ गया हूँ। और प्रॉपर्टी की अगर बात करूँ तो प्रॉपर्टी का अपार्टमेंट होने वाली है। हमारे बहुत सारे व्यूवर काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे मानसरोवर के अंदर हमारे लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर के आइए जो कि हमारे बजट में हो। तो देखिए, आपके लिए आपके बजट में एक प्यारी सी प्रॉपर्टी मैं लेकर के आ गया हूँ, जहाँ पर आपको 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट मिलने वाले हैं, यानी कि 2 और 3 BHK फ्लैट यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मैं अगर साइज़ की यहाँ पर बात करूँ, मानसरोवर जैसी लोकेशन में होने के बाद में भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। लेकिन वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आते हैं वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। और अगर देखिए आपने हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो फ्लैट का साइज़ होने वाला है 3 BHK का, वो 1350 स्क्वायर फीट एरिया से चालू होकर के 1500 स्क्वायर फीट एरिया तक है। और अगर बिल्डिंग की मैं बात करूँ तो G+3 की बिल्डिंग होने वाली है, रेरा रजिस्टर्ड है, साथ ही सभी बैंकों से लोनेबल ये प्रॉपर्टी होने वाली है। यहाँ पर एक आपको बाइक पार्किंग और कार पार्किंग का जो है आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। देखिए, फ्लैट्स इस पूरी बिल्डिंग के अंदर 12 होने वाले हैं, लेकिन पार्किंग का स्पेस यहाँ पर 16 का मिल जाता है। बिसलपुर की लाइन मिल जाती है। बात करूँ यहाँ पर अगर सिवरेज लाइन, तो ऐसी सारी ही सुविधाएं आपको मिल जाती है। आज जो मैं आपको फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ वो 3 BHK का फ्लैट होने वाला है, जो कि 1500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ है। प्राइस सच में आपका दिल खुश कर देगा। प्राइस ज़रूर से जो है देखने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो प्रॉपर्टी मैं दिखा रहा हूँ ये मानसरोवर एक्सटेंशन के अंदर होने वाली है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मानसरोवर जो मेट्रो स्टेशन है वो यहाँ से 4 से 5 मिनट के ड्राइव पे होने वाला है। बात करूँ यहाँ से अगर वीटी रोड से भी इसका जो है कनेक्टिविटी हो जाती है, जो कि 4 से 5 मिनट के ड्राइव पे ही आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। भारत माता चौक भी लगभग इतने ही डिस्टेंस पे आपको यहाँ पर पड़ जाता है। और बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो अनमोल के नाम से ये बिल्डिंग होने वाली है, अपार्टमेंट होने वाला है। एक बार देख लेते हैं इसका लोबी का स्पेस। एक फ्लोर पे यहाँ पर जो है 3 फ्लैट्स अवेलेबल है। एक फ्लोर पर 3 फ्लैट्स होने के बाद में यहाँ पर 2 फ्लैट तो 3 BHK हैं और एक फ्लैट जो है यहाँ पर 2 BHK होने वाला है, यानी कि हर फ्लोर पे एक तो 2 BHK और बाकी 2 3 BHK हैं। स्टेयर्स का प्रोविजन यहाँ से आपको प्रोवाइड कराया गया है, जो कि इसके फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, साथ ही इसके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और साथ ही इसके टेरिस पर आपको लेकर के जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको लिफ्ट का प्रोविजन प्रोवाइड कराया गया है, जो कि इस तरफ में आपको मिल जाता है। देखिए, सभी प्रकार की सुविधाएं आपको बहुत ही नियर बाय मिल जाती है। और मानसरोवर एक्सटेंशन जैसी लोकेशन के ऊपर इस प्राइस के साथ में प्रॉपर्टी मिलना नामुमकिन है। देखिए, आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी से मैं आज रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कि 3 BHK फ्लैट है। फ्लैट में आपने देखा होगा 3 BHK में सिर्फ 2 ही बाथरूम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 3 बाथरूम मिल जाते हैं। 2 अटैच बाथरूम है, 1 कॉमन बाथरूम है। ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ एक जो फ्लैट, वो 1350 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ ये फ्लैट है, और सामने इसके उस तरफ वाला जो है 1500 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है। तो पहले देख लीजिए हॉल का जो साइज़ है वो कितना स्पेसेस है, और हॉल के साथ ही आपको यहाँ पर सामने की साइड में किचन का आपको स्पेस मिल जाता है, जो कि यू शेप में आपको मिल रहा है। सामने की तरफ में आपको विंडो का प्रोविजन है, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन होता रहेगा। कैबिनेट्स प्रॉपर आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इस साइड में आपको जो है ये देखिए, जितनी भी फिटिंग्स आपको करके दी गई है वो सारी ही जगवार की करके दी गई है। तो किचन का साइज़ बहुत ही स्पेसेस आपको मिल जाता है। हॉल में अगर मैं बात करूँ तो लिविंग डाइनिंग एरिया दोनों आप सेट करके दिया गया है। 4 सीटर आपको जो है यहाँ पर डाइनिंग एरिया है। सामने की साइड में वॉलपेपर आपको लगा करके दिया गया है। इस साइड में आप देखेंगे तो यू शेप में, आप एल शेप में आपको मिल जाता है ये इसका सोफा, यहाँ पर आपको डिजाइन करके दिया गया है, जो कि इसके लिविंग एरिया है। सेंटर टेबल आपको मिल जाती है। ये जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता दूँ, 1350 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ है, और जस्ट इसके सामने उस तरफ वो 1500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ है, जिसमें आपको 2 बालकनी, वो भी बड़ी बड़ी बालकनी मिल जाती है। इसके साथ में आपको जो ये फ्लैट दिखा रहा हूँ, इसके साथ में आपको 3 बाथरूम मिल जाते हैं, और साइज़ इसका 1350 स्क्वायर फीट एरिया होने वाला है। देखिए, प्राइस मैं बता देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, प्राइस मैं आपको बता ही देता हूँ। प्राइस इसका होने वाला है, वो होने वाला है यहाँ पर 35 लाख रुपये। चाहे आप ये वाला लीजिए 1350 वाला स्क्वायर फीट वाला, या फिर आप 1500 स्क्वायर फीट वाला लीजिए, दोनों का प्राइस सेम होने वाला है, 35 लाख रुपये। देखिए, 35 लाख रुपये में इस प्रॉपर्टी को आप अपना बना सकते हैं, जो कि JDA अप्रूव्ड है, रेरा रजिस्टर्ड है, मानसरोवर जैसी लोकेशन के अंदर आपको लोकेटेड है एक ऐसी प्रॉपर्टी। आप एक बार देखिए, फुल सीलिंग का जो वर्क है वो भी काबिले तारीफ है, और G+3 की बिल्डिंग होने वाली है। टोटल अगर मैं फ्लैट्स की बात करूं तो यहाँ पर 12 फ्लैट्स होने वाले हैं। नारायण विहार के नाम से ये जो है कॉलोनी है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर के चलूं तो मेरे राइट हैंड साइड पे तो यहाँ पर इसका कॉमन बाथरूम है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर इसका बेडरूम है। तो पहले हम लोग बाथरूम देख लेते हैं, बाथरूम का साइज़ क्या कुछ होने वाला है। तो बाथरूम का साइज़ देखिए, यहाँ पर आपको वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है। सामने की साइड में वेंटिलेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। इस साइड में आपको वॉश बेसिन दिया गया है, जहाँ पर आप इजीली हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे। और जस्ट इसके बाहर निकलते ही यहाँ पर इसका आ जाता है पहला बेडरूम। बेडरूम का साइज़ भी स्पेसेस है, जहाँ पर आपको 10x12 के साइज़ में बेडरूम आपको अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेड के हेड पे कुशन वर्क बहुत ही प्यारा है,
जो चीजें यहाँ पर लगी हुई है एज इट इज आपको मिलने वाली है। सामने की तरफ में आपको वॉलपेपर है। देखिए मानसरोवर जैसी लोकेशन के अंदर 35 लाख रुपए में 1350 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ या फिर 1500 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ फ्लैट आपने इससे पहले देखा है क्या? प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है 90% लोनेबल ये प्रॉपर्टी, क्योंकि JDA अप्रूव्ड है, सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ में आपको मिल जाती है, पास में ही स्कूल हॉस्पिटल्स वगैरह सारी चीजें ATM वगैरह सब आपको नियर बाय यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। जैसे आप जानते हैं मानसरोवर जैसी लोकेशन है, एक जयपुर की प्राइम लोकेशन है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ सिंधी कैम्प बस स्टैंड की या रेलवे स्टेशन की तो बहुत ही नियर बाय आपको मिल जाते हैं। और ये आ जाता है इसका सेकंड बेडरूम। बेडरूम जैसे ही आप अंदर की तरफ आएंगे सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये इसका अटैच बाथरूम। सामने की साइड में आपको वेंटिलेशन का स्पेस है। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाता है इसका जो है वेस्टर्न शीट लगा करके दिया गया है। वो यहाँ पर वॉश बेसिन आपको इस तरफ मिल जाता है। टाइल्स की हाइट देखिए कितनी बढ़िया आपको मिल रही है, जहाँ पर कि सीलन पपड़ी से रिलेवेंट समस्या आपको नहीं आएगी। जितनी भी फिटिंग्स यहाँ पर आपको करके दी गई है वो जगवार की है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट होने वाली है। ये आ जाता है यहाँ पर इसका सेकंड बेडरूम। सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पर बेड के हेड पे प्यारा सा डिजाइन है। ऊपर की तरफ पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए वॉलपेपर है। मैं अगर बात करूँ टोटल यूनिट्स की तो 12 यूनिट्स हैं। देखिए 3 तो यहाँ पर होने वाले हैं 2BHK, बाकी के यहाँ पर जो 3BHK हैं वो होने वाले हैं। और लगभग यहाँ पर जो है मैं आपको बात करूँ 20% माल सोल्ड आउट हो चुका है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कॉल कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूवर काफ़ी समय से डिमांड कर रहे थे कि हमें मानसरोवर जैसी लोकेशन के ऊपर फ्लैट दिखाइए, प्राइस जो है कम होना चाहिए। 2BHK के अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 2BHK का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 29 लाख रुपए, और 3BHK का जो प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 35 लाख रुपए। सामने की साइड में इस तरफ आपको देखिए ये मिल जाता है विंडो का प्रोविजन, जहां से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। और यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इसके सेकंड बेडरूम की ओर और दिखाऊंगा इसका बेडरूम कैसा होने वाला है। तो आ जाइए बेडरूम हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट बेडरूम है जो कि 3BHK है। देखिए मैं इसके साथ में आपको जो बड़ा वाला इसका फ्लैट है जो कि 1500 स्क्वायर फीट एरिया में बना हुआ है उसकी बालकनी में दिखाऊंगा कैसी उसकी बालकनी होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले ये बेडरूम आ जाता है। सामने की साइड में आपको देखिए यहाँ पर आपको बेड के हेड पे कुशन वर्क है, पीछे आपको वॉलपेपर का डिज़ाइन है, ऊपर की साइड में फैंस वगैरह AC के सेपरेट पॉइंट्स वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देखिए 3BHK का फ्लैट 1350 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ मानसरोवर जैसी लोकेशन के ऊपर 3 बाथरूम अवेलेबल हो जाते हैं, बालकनी बड़ी बड़ी बालकनी यहाँ पर आपको मिल जाती है, AC का सेपरेट पॉइंट अवेलेबल है, पानी की सुविधा मिल जाती है, मीठा पानी है, बिसलपुर का पानी मिल जाता है। 2 रूम्स के साथ में आपको देखिए अटैच वार्डरोब मिल रही है, तो कपड़े वगैरह रखने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सामान वगैरह रखने की। यहाँ पर आता है अटैच बाथरूम, यहाँ पर वेस्टर्न शीट लगा करके दी गई है, वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको अवेलेबल है, और टाइल्स काफी हाइट तक है तो सीलन पपड़ी से रिलेवेंट समस्या आपको लॉन्ग टाइम तक नहीं आएगी। अभी यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूंगा इसकी बालकनी में, आपको दिखाऊंगा बालकनी इसकी कैसे होने वाली है। तो इस साइड में आ जाती है इसकी बालकनी, ये देखिए बालकनी का स्पेस कितना प्यारा होने वाला है। और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग साइड बैक छोड़ करके बनाई गई है, देख पा रहे होंगे आप, देखिए साइड बैक छोड़ करके पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। आसपास में बहुत सारे अपार्टमेंट्स होने वाले हैं जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। एक बार फिर भी देख लीजिए आसपास का लोकेशन कैसा होने वाला है। यहाँ पर देखिए लोकेशन कैसा है आसपास का, पूरी बसावट है, पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड ये एरिया होने वाला है। अभी मैं आपको लेकर के चलूंगा दूसरे वाले 3BHK की ओर जो कि 1500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर है, और उसकी बालकनी में आपको दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आगे हैं इसके दूसरे फ्लैट की ओर जो कि 3BHK है लेकिन 1500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर है। थोड़ा सा लुक देखते हुए चलिएगा कैसा लुक होने वाला है, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये इसकी बालकनी आ जाती है जो कि इसकी पहली बालकनी है। ये देखिए बालकनी का साइज कितना प्यारा है। प्राइस दोनों के सेम होने वाले हैं 35 लाख रुपए 3BHK, और जो 2BHK का प्राइस होने वाला है वो होने वाला है 29 लाख यानी कि 29 लाख रुपए। यहाँ पर देखिए ये भी साइज आप देखिए कैसा साइज होने वाला है। तो साइज यहाँ पर बालकनी का बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिसेंट सा साइज यहाँ पर आपको बालकनी का मिल जाता है। अभी मैं आपको दूसरी बालकनी की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, तो बालकनी के साइजेस बहुत प्यारे हैं। एक के साथ में आपको 3 बाथरूम है, और दूसरे के साथ में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो मिल जाते हैं यहाँ पर 2 बालकनी, बड़ी बड़ी बालकनी आपको अवेलेबल है। ये देखिए बालकनी का साइज, यहाँ से देखिए कितना प्यारा बालकनी का साइज यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया गया है। आसपास का सराउंडिंग एरिया भी देखिए, यहाँ से भी पूरी तरीके से बसावट है, साइड बैक छोड़ करके बिल्डिंग यहाँ पर रेडी की गई है। और जो आज मैंने आपको फ्लैट दिखाया है वो 1350 और 1500 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर बना हुआ दिखाया है। अगर आप चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को परचेज करना तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कहाँ पर ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है। तो मैं आपको बता दूं ये जो प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो अपने मानसरोवर एक्सटेंशन के अंदर लोकेटेड है, भारत माता चौक से मात्र 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर है।
बात करूँ वीटी रोड से भी 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर है। बात करूँ यहाँ से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन की तो वो भी यहाँ से 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर होने वाला है। प्राइस दोनों का ही सेम है, यानी कि 1500 स्क्वायर फीट का और 1350 स्क्वायर फीट जो 3 BHK है, 35 लाख रुपये प्राइस होने वाला है। और अगर 2 BHK आप परचेज करना चाहते हैं जिसका साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो 1140 स्क्वायर फीट एरिया में 2 BHK का बना हुआ है, इसका प्राइस होने वाला है 29 लाख रुपये 90% लोन के साथ में। मानसरोवर जैसी लोकेशन के अगर ऊपर आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं तो नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप भी एक जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर आप एक बिल्डर हैं चाहते हैं प्रमोशन करवाना हमसे आपकी सिटी आपके शहर के अंदर तो कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको हमारे भी AR होम्स के नाम से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। देखिए पार्किंग की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है, मैं आपको बता चुका हूँ, पानी यहाँ पर आपको मिल जाता है जो कि बिसलपुर का पानी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। पार्किंग के लिए यहाँ पर 12 फ्लैट्स टोटल होने वाले हैं, लेकिन पार्किंग की जो सुविधा है वो यहाँ पर आपको 16 फ्लैट्स की दी गई है और सभी फ्लैट्स के साथ में आपको पार्किंग जो है अवेलेबल करवाई गई है, एक कार की और एक बाइक की। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो आया पसंद तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।